हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी 17 प्रो का ये मोबाइल है मेरे हाथ में, और इस मोबाइल के अंदर में प्रॉब्लम है कि इस मोबाइल में FRP लॉक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी सैमसंग मोबाइल का FRP अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको जो है उसका ADB पोर्ट जो है उसे आपको इनेबल करना होगा। जब तक ADB इनेबल नहीं होगा तब तक आप उसका FRP अनलॉक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप इसका ADB इनेबल करेंगे अपने Z3 Xbox से, और कैसे आप जो है इस मोबाइल का जो FRP है उसे आप अनलॉक करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहां पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को जरूर दबाएं। क्योंकि होता है क्या कि आजकल YouTube का जो नियम है वो चेंज हो गया है, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तब भी आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं, ताकि आपको जब भी हम कोई नई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको एक तरफ मोबाइल दिखा रहा हूँ और एक तरफ आपको Z3 Xbox दिखा रहा हूँ टूल, और उसके बाद आपको एक तरफ जो है मैं आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर दिखा रहा हूँ। डिवाइस मैनेजर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमने जो है मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है अपने कंप्यूटर से, उसके बाद यहाँ पे ADB पोर्ट जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है हमारे डिवाइस मैनेजर में, ठीक है। तो ADB पोर्ट को हमें पहले इसे इनेबल करना होगा। तो इनेबल कैसे करेंगे, तो इनेबल करने के लिए आपको आपके Z3X सेल में जो है आपका कम्प्रेशन फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कम्प्रेशन फाइल को आप डाउनलोड कर लें और वो कम्प्रेशन फाइल होगा उसे आप इरेज करके उसके बाद उस फाइल को आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जितनी भी मैं आपको चेक दिखा रहा हूँ इन सबकी चेक को आपको हटाना है, ऐसे आपको अनचेक करना है, ठीक है। उसके बाद बूट इमेज पर सिर्फ चेक लगा हुआ होना चाहिए, और क्योंकि हमें सिर्फ बूट इमेज से ही फ्लैश करना है इस मोबाइल को इसका ADB इनेबल करने के लिए। उसके बाद रिबूट टू फ्लैश पे क्लिक करेंगे, और जैसे रिबूट टू फ्लैश पे क्लिक करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली हमारा मोबाइल जो डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो डाउनलोडिंग मोड पर जा चुका है। उसके बाद सिंपली हमें इस फाइल से फ्लैश कर देना है, और जैसे ये फाइल से फ्लैश हो जाएगा तो इसका जो इस मोबाइल का जो ADB है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये बूट इमेज फाइल से हमारा मोबाइल फ्लैश हो चुका है और हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है, और रीस्टार्ट होकर के जब ये मोबाइल कंप्लीट पूरी तरह से ऑन हो जाएगा उसके बाद हमारे डिवाइस मैनेजर में इसका ADB पोर्ट यहाँ पे शो करेगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ADB इनेबल हो चुका है और इसका ADB पोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब तक मोबाइल कंप्लीट ऑन ना हो जाए यहाँ पे तब तक इसका FRP हमें अनलॉक नहीं करना है, क्योंकि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों पे अटका हुआ है तो ये मोबाइल 15 से 20 मिनट तक का टाइम लग सकता है। लेकिन कभी 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 क्या होता है कि दोस्तों, कि जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल होता है सैमसंग का, और उस मोबाइल को अगर जब हम बूट इमेज फाइल से फ्लैश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो मोबाइल जो लोगों पर अटका हुआ ही रह जाता है। तो ऐसे हालत में आपको क्या करना क्या होगा कि उस मोबाइल को फिर आपको जो है फ्लैश करना होगा, ठीक है। अब फ्लैश जब आप कर देंगे लेकिन उसका ADB पोर्ट जो है इनेबल ही रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा सभी मोबाइल में नहीं होता है, सिर्फ लेटेस्ट मॉडल में ही ऐसा होता है। और अगर कभी अगर आपका मोबाइल लोगों पर अटक जाए तो आप उसे जो है दोबारा फ्लैश कर दें और उसका ADB पोर्ट इनेबल रहेगा, और ADB पोर्ट सेलेक्ट करके आप उसे जो है उसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे FRP रिसेट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको यस कर देना है, और यस जब आप कर देंगे फिर से आपको यस करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक अलाउ USB डिबगिंग का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। चेक लगा के ओके पर क्लिक कर देना है, और जैसे ओके पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो FRP यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। और आपके पास अगर J7 प्राइम है तो उसे भी आप इसी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, और अगर आपके पास J7 नेक्स है तो उसे भी आप इसी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहां पे थोड़ा सा और भी कार्यक्रम इसमें बाकी है। और आपको जब ये मोबाइल का FRP पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा, अभी हम देखते हैं FRP इसका अनलॉक हो चुका है, यहां पे स्कीप का ऑप्शन इसका आ चुका है और हम मोबाइल के अंदर में जो है इन कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस मोबाइल के अंदर में जो आपको सेटिंग में जाना होगा, और कंप्लीट FRP रिसेट करने के लिए आपको इसके सेटिंग में जाकर के इसका जो है फैक्ट्री डाटा को आपको रिसेट करना होगा, ठीक है, तभी इसका कंप्लीट FRP रिसेट होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका जो इंटरनल मेमोरी है उसका स्पेस जो है बिल्कुल वो कम हो जाएगा। हो सकता है कि अगर वो 8 GB है या 16 GB इंटरनल मेमोरी है तो वो शो ही ना करे, बिल्कुल जो है बिल्कुल वो फुल बताए। तो आपको यहाँ पे जो फैक्ट्री रिसेट करना बिल्कुल ही जरूरी होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।